लादड़िया में अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाई गई सरपंच मनोज देवी का मामला जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश के बाद फिर चर्चा में है। मनोज देवी ने बताया कि बिना किसी ठोस कारणों के राजनीतिक पदयंत्र से आनंद थाने में उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हुए नोटिस देकर 5 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 9 मार्च को नोटिस प्राप्त हुआ और 14 मार्च को SDM डीरवणा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक करके अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। मनोज देवी ने बताया कि मेरे द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने स्थिति को यथासंभव रखते हुए पंचायती राज राजस्थान प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद नागौर सब डिवीजन ऑफिसर डीरोड़ा पंचायत समिति मोला सर्किल डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम पंचायत लादड़िया वार्ड पंच रणवीर जय श्री सोनी अर्जुन राम सहित गौरतल है कि इन सभी को 15 जनों को नोटिस दिए गए हैं। गौरतल है कि यह प्रकरण राजनीतिक रूप से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसके बाद अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 15 जनों को नोटिस जारी किए हैं। लादड़िया सरपंच मनोज देवी के द्वारा हाईकोर्ट में रिट लगाई गई।